हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं एक बार कमेंट करके बता देंगे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर आप पेरिटोरियल को एक हैबिट बना लेते हो तो इंग्लिश आपकी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से तो पहला वर्ड है रोबस्ट इसके ऊपर जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुका है रोबस्ट का मीनिंग होता है कोई बहुत स्ट्रांग चीज तो कोई चीज रोबस्ट है किसी का मेथड रोबस्ट है इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है मजबूत है स्टर्डी है रेजिलिएंट विगरस पावरफुल मीन्स हद से ज्यादा स्ट्रांग और क्या वर्ड यूज कर सकते हो एक वर्ड होता है फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है इसमें रूट वर्ड होता है फोर्ट fort. फोर्ट का मीनिंग क्या होता है स्ट्रॉन्ग तो फोर्टिफाइड का मीनिंग भी क्या हो गया कोई चीज जो कैसी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है एंटन भाई कमजोर है फ्रेजाइल है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है तो शीशा क्या है फ्रेजाइल है बहुत बार कोरियर के बाहर लिखा होता है फ्रेजाइल आइटम्स इन साइड हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल मीस बहुत नाजुक फ्लिम्स बहुत नाजुक वर्नरेबल कमजोर प्रेल कमजोर ससेप्टेबल कमजोर प्रोन कमजोर तो एक टाइम था जब ऑथर ना इन तीन वर्ड्स के बीच में बहुत गेम्स खेलते थे वनरेबल ससेप्टेबल और प्रोन एक वर्ड दे देते थे उसका सिनोनिम पूछते थे ऑप्शन में कोई दो में से एक दे देते थे तो इन तीन वर्ड्स के बीच में बहुत गेम्स खेले होते एग्जामिनर ने सॉरी तो जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था कॉफी का उसने मुझे क्या किया तुरंत की तुरंत उठा दिया पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में ये वर्ड बता रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया अगला वर्ड है प्रमाइस प्रमाइस का मीनिंग क्या है कोई थ्योरी का बेसिस इसको ना इस तरीके से समझाती हूँ मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे ये निकालना था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो बच्चों का फोकस खराब हो जाता है बच्चे फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में जब टेम्परेचर बढ़ता है इसके ऊपर एक रिसर्च चल रही है तो अब इस रिसर्च को कैसे आइडेंट किया जाएगा एक हाइपोथीसिस माना जाएगा हाइपोथीसिस क्या माना जाएगा कि बच्चों का फोकस बिगड़ जाता है और फिर इस हाइपोथीसिस को ट्रू या फॉल्स को प्रूव करने में लग जाएंगे कि यह हाइपोथीसिस ट्रू है या फॉल्स है तो मतलब आप एक क्रमाइस लेके चलते हो आप एक फाउंडेशन स्टेटमेंट लेके चलते हो आप एक एजम्पन लेके चलते हो और फिर उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हो कि आपने जो एजम्पन लिया वो सही था या गलत था और उसके बेसिस पे रिसर्च का रिजल्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस, फाउंडेशन अजम्पशन प्रपोजिशन प्रिमाइस तो कोई चीज जो आधार होती है एंटेनिम्स क्या हो गए कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आफ्टर मैथ रिजल्ट वर्ड क्या होता है जजमेंट किसी चीज का कॉन्क्लूजन और फाइनली आपको क्या समझ में आया उसको पढ़ के अच्छा दो शब्द होते हैं एक होता है इन्फरेंस और एक होता है कॉन्क्लूजन इन्फरेंस और कॉन्क्लूजन और तीसरा होता है अजम्पन ये तीन के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जामिनेशन में इसके ऊपर हमने पूरा पूरा, पूरा एक वीक भी डेडिकेट किया है परफेक्शन बैच में पूरे एक हफ्ते मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं भी आगे इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है इन्फ्रेंस कंक्लूजन और अजम्पशन अजम्पशन होता है जो आप पहले से लेके चलते हो मतलब आपने पहले से जो अपने मन में मान लिया उस आर्टिकल को लिखने से पहले वो क्या होता है अजम्पशन जो आपको पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये पैसेज फाइनली ये कह रहा है वो क्या होता है कॉन्क्लूजन और पैसेज को पढ़ने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के आपको जो बात आगे फॉलो करनी होती है जो बात को लेके आप क्लियर होते हो वो होता है इन्फ्लुएंस मतलब ये बिफोर द पैसेज होता है अजम्पशन इज बिफोर द पैसेज कॉन्क्लूजन इज आफ्टर द पैसेज इन्फ्लुस इज पैसेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग ये तीनों में डिफरेंस होता है अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम परफेक्शन बैच में सो डोंट वरी ये तीनों आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे वहां पे आप आ जाते हैं यहां पे बिफोर प्रेजेंटिंग अपनी बात कहने से पहले उसने क्या किया जो बेस था उसकी बात का वो सबको बता दिया पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया ये शब्द आपका नाउन नाउ अगले वर्ड पे आते हैं प्रो लॉन्ग 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 मीन्स लंबा इससे मुझे एक सॉन्ग याद आता है कौन सा वह रातें लंबी यहाँ लंबी यहाँ ऐसे तो था ना कोई सॉन्ग हाँ तो प्रोलॉन्ग मीन्स कोई लंबी कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है कोई चीज जो उसको लंबा कर दिया गया ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है प्रोलॉन्ग कर दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया एडजेक्टिव है वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है परसिस्टेंट बनी जा रही है बनी जा रही है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही सस्टेंड बनी जा रही है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही लेंद बढ़नी जा रही है कॉन्टिन्यू किए जा रही है और वर्ड होता है प्रोट्रैक्टेड प्रोट्रैक्टेड वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है कोई चीज जो क्या है बहुत लंबी हो चुकी है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही एंटेनि ट्रांजिएंट क्षण भर का है प्लीटिंग क्षण भर का है ब्रीफ शॉर्ट एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है उसको डबल स्टार मार्क करके लिखना एफी मैरल एफी मैरल भी क्या होता है तो जो चीज क्षण भर की होती है तो डॉक्टर ने रेस्ट रिकमेंड किया जिससे कि वो जो पेशेंट है वो रिकवर कर पाए प्रोलॉन्ग इलनेस प्रोलॉन्ग चली आ रही है अच्छा एक वर्ड रिकवर का बहुत बड़ा एग्जाम्स में आ चुका है इसको डबल स्टार मार करके लिखना दैट इज रेक्यूपरेट रेक्यूपरेट करने का मतलब क्या होता है रेक्यूपरेट करने का मतलब होता है रिकवर करना बीमारी से अगले वर्ड में आते हैं पे आते हैं कॉन्सपिक्वस्ली सबसे पहले तो लोग लास्ट में ओ यू एस लग रहा था लास्ट में ओ यू एस लग रहा था तो एडजेक्टिव हो गया अब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया तो जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा बनता है एडवर्ब बनता है तो कॉन्सपिक्वसली मीन्स ऐसे तरीके से कि आपको साफ साफ दिख रहा है नोटिसबल है एविडेंटली ऑस्टेंसिबली अपेरेंटली क्लियरली मीन्स बिल्कुल साफ साफ आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है अच्छा ये वर्ड इतने एग्जाम में नहीं है जितना ये वाला वर्ड एग्जाम में आया मतलब है ऑस्टेंसिबल ऊपर से तो भाई ये दिख रहा है अंदर से है या नहीं हमें नहीं पता बट ऊपर ऊपर से तो ये दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं ऑस्टेंसिबल एपेंट या फिर सीमिंग या फिर एविडेंट एंटोनिम्स देखते हैं अनऑप्शन obtusively मींस छुप-छुप के furtively मींस सीक्रेट तरीके से छुप-छुप के indistinctly मींस क्लियरली नहीं है मतलब छुप-छुप के तो उसने बिल्कुल क्लियरली अवॉइड किया कि वो आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा था अपने दोस्तों के साथ पार्टी में तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था अगले वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज रिबाउंड री आ गया भाई री का मतलब क्या होता है वापस से अगेन तो एक कहते हैं बहुत लोग बाउंस बैक जब भी गिरो जब भी फेल हो बुरा नहीं मानना है हार नहीं माननी है डरना नहीं है बाउंस बैक बाउंस बैक फ्रेज को एक शब्द में कैसे कह सकते हैं रीबाउंस वापस से फुल एनर्जी के साथ वापस आओ रिकवर करो बाउंस बैक करो एक सेट बैक से सेट बैक मीन्स फेलियर से रिवाइव कर जाओ फिर से जान ले आओ रीगेन फिर से गेन कर लो फिर से जान ले आओ रिकवर कर जाओ रिसर्च कर जाओ मीन्स फिर से वापस से उठ जाओ सर्च का मीनिंग क्या होता है Search का मीनिंग होता है इंक्रीज या फिर उछाल एंटेनिम्स क्या हो गए डेटेरियोरेट और खराब हो जाना और और कमजोर खत्म हो जाना जाना रिग्रेस पीछे की तरफ जाना, वर्सन और खराब हो जाना तो बहुत ग्रेसफुली वापस आई फॉल से जो तो गिरी थी वो उसे बहुत ग्रेसफुली वापस आई स्माइल कर रही थी जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं है एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया वर्ब हो गया अगला वर्ड है वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्या होता है जैसे कहते हैं मरकरी जो होती है ना वॉलेटाइल होती है थर्मोमीटर में आपका टेम्परेचर कैसे नापते हो थर्मोमीटर में टेम्परेचर नापने का तरीका होता है कि आप थर्मोमीटर को अपनी बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट में लाते हो आपकी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से मरकरी एक्सपैंड होती है तो जिसकी वजह से आपको रीडिंग दिखने लग जाती है कि इतना टेम्परेचर है जैसे ही आप बाहर लेके आते हो मरकरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो मरकरी क्या होती है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट तो volatile होती है मरकरी मतलब तो volatile का मतलब क्या है जो बहुत तेजी से बदले जो अनस्टेबल हो फिकल फिकल मैंने आपको याद करवाया था वो कैबले के शॉर्ट्स में आपको याद होगा फिकल को याद कैसे करोगे यार फिर कल करेंगे इसका मतलब वो इंसान क्या है चेंजियेबल है बार बार चेंज करता रहता है अपना मूड वेरिएबल मर्क्यूरियल मर्करी से बना ये वर्ड बार बार चेंज हो रहा है एंटोनिम्स नहीं भाई एक बार जो मैंने ठान लिया फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता स्टेबल हूं मैं फिक्सड हूं कॉन्स्टेंट हूं फर्म हूं रेजिलियंट हूं डिटरमाइंड हूं मैं नहीं बदलूंगा अपन झुकेगा नहीं हम्म तो ये सारे क्या हो गए एंटोनिम्स हो गए तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें वो वॉलटाइल एसेट्स को अवॉइड करती है वो एसेट्स जो बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं जिनका दाम कभी बढ़ गया कभी कम हो गया वो उनको अवॉइड करती है जिससे कि क्या हो रिस्क जो है कम से कम हो जाए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया अंडरमाइंड करना एक तो होता है अंडरलाइन करना या फिर अंडर स्कोर करना इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना आपने किसी चीज के ऊपर क्या दिया जोर डाला ये दोनों पॉजिटिव टोन के शब्द होते हैं एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है अंडरमाइंड करना अंडर करने का मतलब क्या होगा इसको ऐसे याद कर लो माइंड माइंड क्या होती है जिसमें से सोना निकलता है डायमंड निकलता है क्या बोलते हैं खदान आपने किसी को खदान के अंदर और डाल दिया मतलब उसकी वैल्यू और खत्म कर दी उसको और नीचे आपने पुश कर दिया वीक कर दिया सबवर्ड करना डिब्लिटेट करना कमजोर बना देना सेबुटेज करना तबाह कर देना सैप कर देना खत्म कर देना एक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं आपने दोस्तों स्ट्रांग बनाया बोल बोलस्टर किया स्ट्रांग बनाया सपोर्ट किया स्ट्रेंथन किया फोर्टिफाई किया स्ट्रांग बनाया आपने उसको तो जो इंफॉर्मेशन लीक हुई उसने क्या किया कंपनी की रेप्यूटेशन को खराब कर दिया नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा डिसन लास्ट में आई ओ एन लग रहा है पार्ट ऑफ स्पीच के ऑग नाउन एक्स्ट्रा डिशन का मतलब क्या होता है कि भाई हुआ क्या फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई भागा खूब बड़ा घोटाला करके भागा और वो इंडिया से भाग के फॉर एग्जाम्पल यूरोप चला यूरोप की गवर्नमेंट ने क्या किया ये लो तुम्हारा बंदा ये तुम्हारे यहाँ से घोटाला करके हमारे यहाँ आया था मीन्स हैंड ओवर कर दिया तो क्या कर दिया एक्स्ट्राडिशन कर दिया तो लीगल प्रोसेस जिसके द्वारा एक कंट्री पर्सन को सरेंडर कर देती है दूसरी कंट्री को हैंड ओवर कर देती है डिपोर्टेशन कर देती है रिपाट्रिएशन कर देती है वापस भेज देती है आप उसकी कंट्री में एंटेनिम्स क्या हो गया Asylum अपने यहाँ आसरा दे दिया अपने यहां ही रिफ्यूज दे दिया वापस नहीं भेजा तो जो सस्पेक्ट था सस्पेक्ट में जिसके ऊपर शक था उसको जो वापस भेजा गया उसको कोर्ट ने अप्रूव कर दिया समझ आ रही है वो क्या आप सभी को अगला वर्ड है रिडंडेंट रिडंडेंट क्या होता है जब किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक की होगी या कंप्यूटर्स पढ़े होंगे तो डेटाबेस से क्या किया जाता है रिडंडेंट एंट्रीज को हटाया जाता है डेटाबेस क्या होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है तो वहाँ से क्या करते हैं रिडंडेंट एंट्री जितनी भी होती है उनको डिलीट करते हैं रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है रिपीटेड जो ज्यादा हो एक्स्ट्रा हो अननेसेसरी हो सुपर फ्लूस हो एक्स्ट्रा हो जो बार बार सेम बात कह रहे बार बार सेम ही लिखा हो तो रिडंडेंट का मीनिंग क्या हो गया समथिंग दैट इज अननेसेसरी जो कोई काम की नहीं है सुपर फ्लूस है एक्स्ट्रा extra है एक्स्ट्रेमियस है एक्स्ट्रा है रेपिटेटिव रेपिटेशन में है लास्ट में ए एन टी लग रहा है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया एंटोनिम्स भाई जरूरी है रिक्वायर्ड है एसेंशियल है जरूरी है इनडिस्पेंसिबल है इनडिस्पेंसिबल मीन वेरी इंपॉर्टेंट भाई अच्छा चलो इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग अगर इंपॉर्टेंट तो डिस्पेंसिबल का मीनिंग क्या होगा डिस्पेंसिबल क्या हो गया आप ही लोग बताओ राइट डिस्पेंसिबल इज नॉट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी रिपोर्ट में वो रिडंडेंट थी भाई एक्स्ट्रा ही थी और जिसकी वजह से बहुत लंबा हो गया चलो हाउंडिंग कोई चीज़ अगर आपको हाउंड करे तो इसका मतलब क्या है आपको परेशान कर रही है तंग कर रही है तो कोई चीज़ हाउंड कर रही है इसका मतलब आपको परेशान कर रही है एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया परसिस्टेंटली परसिस्टेंटली मींस लगातार हेरास कर रही है लगातार परेशान कर रही है टॉर्मेंट कर रही है पेस्टर पर डबल स्टार मो बहुत बड़े एग्जाम में आया है पेस्टर मींस इरिटेट कर रही है बॉदर कर रही है बुली कर रही है एंटेनिम्स आपने उसको ओवर लुक कर दिया निग्लेक्ट कर दिया इग्नोर कर दिया शन कर दिया मीन अवॉइड कर दिया शनिंग करो शनिंग इज अवॉइडिंग डिसरिगार्डिंग आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी तो जो टैबलॉइड्स है वो लगातार क्या कर रहे थे वो उस कपड़ को परेशान कर रहे थे लगातार किस चीज के लिए क्योंकि वो बार बार क्या मांग रहे थे कि अपनी डिटेल उनकी प्राइवेट लाइफ को की डिटेल्स जो है क्या कर रहे थे सबको बता रहे थे टेबलेट्स क्या होते हैं इधर जैसे वही न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कह सकते हो न्यूज़पेपर्स जिसमें खूब सारे आर्टिकल्स लिखे हो खूब सारे लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हो तो बेचारा कपल परेशान हो रहा था कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं सबसे पहला है टेक अ बैक सीट क्या आई वुड लाइक टू टेक अ बैक सीट मतलब मैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहती आई डोंट वॉन्ट टू लीड एनीथिंग मुझे कोई लीड वीड नहीं करना मैं तो बस पीछे रहूँगी कोई और लीड कर दो गाड़ी में भी बैक सीट लेने का मतलब क्या है कंफर्टेबल पोजिशन पे आ जाना तो आप क्या कर रहे हो लेस एक्टिव रोल ले रहे हो कफ इसका मतलब क्या है आप बिना किसी प्रेपरेशन के बात कर रहे हो आपने कोई तैयारी नहीं करी कुछ नहीं किया बिल्कुल बिना किसी प्रेपरेशन के अच्छा कफ क्या होता है कफ होता है जो आपकी स्लीव्स होती है ना उसका जो आखिरी का हिस्सा होता है जो आप ऐसे बटन लगाते हो ना यहाँ पे स्लीव हाथों पर उसको बोलते हैं कफ तो यू आर ऑफ द कफ इसका मतलब क्या है कोई तैयारी नहीं करी है सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन दे दिया इसके ना दो वर्ड्स और होते हैं एक होता है एक्सटेम्परी और एक होता है इम्प्राम्पटू इस ये दो तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें क्या होता है आपको कोई प्रेपरेशन करने का टाइम नहीं दिया जाता आपको तुरंत के तुरंत क्या दिया जाता है टॉपिक दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इस टॉपिक पर बातचीत करो तो उन कॉम्पिटिशन को क्या बोलते हैं एक्सटेम्परी या फिर इम प्रम्पटू कॉम्पिटिशन थ्रोइंग द बुक एट सम किसी पे बुक फेक रहे हो इसका मतलब क्या है आप उसके ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट लगा रहे हो मतलब लॉ के बुक यहाँ पे लॉ लॉ बुक को रेफर कर रहा है तो आप लॉ के हिसाब से उसके ऊपर क्या कर रहे हो लगा रहे हो तुमने ये गलती की है तो मैं ये सजा होगी दैट इज थ्रोइंग द बुक एट वेरी डिफिकल्ट टू अप विद ढोलू नाउ अडेज बड़ा मुश्किल हो गया अभी ढोलू को झेलना आजकल तो put up विथ का मीनिंग क्या होता है टॉलरेट और एंड्योर समथिंग अनप्लेजेंट किसी बहुत ही खराब चीज को झेलना गिव इन या फिर एक और गिव अप इन दोनों का मीनिंग क्या होता है भाई सरेंडर कर देना हार मान लेना तो वाई आर यू गिविंग इन यार? आर इज नो नीड टू गिव इन कोई जरूरत नहीं है हार मानने की कोई जरूरत नहीं है गिव अप करने की डोंट गिव अप डोंट गिव इन मीन सरेंडर मत करो एक और क्या होता है ईल्ड 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 मत करो का मतलब भी क्या होता है सरेंडर मत करो समझ आई वो कैबलरी सभी को यस और नो माई चैंपियंस चलिए आते हैं आज के आर्टिकल पे बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे इफ ट्वेंटी वन हंड्रेड स्टूडेंट्स आर वॉचिंग ट्वेंटी वन हंड्रेड तुरंत के तुरंत होने चाहिए रिस्की प्रमाइस प्रमाइस मीन फाउंडेशन बेस तो भाई बेस कैसा है बहुत रिस्की है पॉलिसी मेकर्स को ट्रेड रूल्स को इजी बनाना चाहिए जिससे कि वो क्या इंकरेज कर सकें किस चीज़ को बढ़ावा दे सकें एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स मीन्स जो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में सामान भेज रही है वो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं तो रूल्स ईजी होने चाहिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए चलिए आ जाते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे फर्स्ट पैराग्राफ पे सभी लोग रीड करेंगे एक मिनट का टाइम है रीड एवरीवन चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है द एशियन डेवलपमेंट बैंक तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडी बी ऑन थर्सडे थर्सडे को उसने रेस कर दिया बढ़ा दिया अपना फोरकास्ट फोरकास्ट मीन प्रोडिक्शन जो पहले से बताती है बैंक उसने अपना प्रोडिक्शन किया क्या इंडिया की जी डी पी ग्रोथ का तो उसने इंडिया की जी डी पी ग्रोथ को लेकर जो प्रोडिक्शन किया था जी डी पी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि सम टोटल ऑफ जितनी भी प्रोडक्ट्स जितनी भी सर्विसेज कंट्री में बनेंगी एक साल में वो जीडीपी होता है कंट्री का तो उन्होंने क्या किया फोरकास्ट को बढ़ा दिया करंट फिस्कल ईयर फिस्कल मीन फाइनेंशियल ईयर तो जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए जो कि मार्च इकतीस दो को एंड होगा उसने सात फोरकास्ट कर दिया जबकि पहले उसने कितना किया था सिक्स किया था साइटिंग साइटिंग मीनस किसी जिसको को रीजन बताते हो उसने रीजन क्या दिया रीजन उसने ये दिया कि मैं फोरकास्ट इसलिए बढ़ा रही हूं क्योंकि रोबस्ट रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग क्योंकि स्ट्रॉन्ग पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है खूब इन्वेस्टमेंट हो रहा है खूब सरकार भी इन्वेस्ट कर रही है इकोनॉमी में खूब कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है साथ के साथ एक्सपेक्टेशन है उम्मीदें हैं ऑफ अ ग्रेजुअल ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे हॉले हॉले तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा कंज्यूमर डिमांड में कंज्यूमर भी सामान खरीदना स्टार्ट करेगा डिमांड करना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे रूरल इकोनॉमी जो है गांव की जो इकोनॉमी है वो रिकवर होगी वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगी द रीजनल रीजनल उस एरिया का मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल मल्टीलेटर बहुत सारे पहल बहुत सारे फ्रंट पे लेंडर मीन्स लोन देने वाला तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है उस एरिया के अलग अलग तरह के लोन देने वाली कम लोन देने वाली बैंक है उसने क्या प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्ट किया मतलब वही प्रोडेक्ट किया उसने क्या बताया कि जो इंडिया की इकोनमी है वो एक्सपैंड बाय वो बढ़ जाएगी 7.2 पॉइंट परसेंट से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तो उसने बोला 24-25 में 7 परसेंट का हो जाएगा और 25-26 में कितना हो जाएगा 7.2 परसेंट हो जाएगा तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो लेटेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट है अभी जो उसने लेटेस्ट प्रोडिक्शन किया है इंडिया के जी का इज हाउ हालांकि वो अभी भी कम है अभी भी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट का पेस पेस मीन स्पीड तो इसमें सेवन का कर दिया है सेवन का कर दिया है लेकिन ये जो सेवन है ये अभी भी कम है सेवन पॉइंट सिक्स से जो कौन कह रहा है जो इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कह रहा है जो इंडिया के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एस्टिमेट किया था उन बारह महीनों के लिए जो ख़त्म हो गए मार्च इकतीस फॉर द ट्वेल्व मंथ दैट एंडेड ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट तो अभी भी कम है मतलब हमारे यहाँ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो ज्यादा बता रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके कंपनी में कम बता रही है पिछले साल में जो एक्सपेंशन हुआ था पिछले साल में जो बढ़ोतरी हुई थी टू तू, टू मीज भी वो भी किसकी वजह से हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था बहुत ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया था हालांकि जो कंजम्पशन था वो कैसा था कम था कंजम्पशन नहीं हुआ था म्यूट का मीनिंग वैसे क्या होता है शांत रहना कंजम्पशन शांत था मतलब लोगों ने डिमांड बहुत ज्यादा नहीं करा लोगों ने सामान बहुत ज्यादा नहीं खरीदा लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ था द एशियन डेवलपमेंट बैंक हाउ ए लेकिन इस बैंक ने हालांकि कॉशन किया कॉशन मीन्स वार्निंग दी क्या वार्निंग दी कि जो इसका फोरकास्ट है जो इसका प्रडिक्शन है जो इसने बोला है कि आगे ऐसा होगा कुड बी प्रूवन रॉन्ग हो सकता है वो गलत भी साबित हो जाए कैसे बाय ग्लोबल रिस्क दुनिया भर में जो रिस्क चल रही है तो हो सकता है इसका प्रोडिक्शन गलत साबित हो जाए इंक्लूडिंग उस रिस्क में क्या क्या आता है उस रिस्क में आता है बहुत तेजी से क्या बढ़ रहा है बहुत तेजी से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अभी आगे देखेंगे कि उस रिस्क में क्या क्या आता है तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है समरी यही है कि एशियल डेवलपमेंट बैंक ने अपना फोरकास्ट अच्छा कर दिया है पहले उन्होंने 6.7 बोला था फिर 7 परसेंट बोल दिया है अगले साल के लिए 7.2 परसेंट बोल दिया है ये सब उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और वो कह रहे हैं कंजम्शन भी बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी हालांकि उसने ये भी बोला है कि हम गलत भी साबित हो सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ सभी को यस और नो माई चैम्पियंस यार आंसर देते हुए चला करो प्लीज चलो अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर बताओगे यहां पे हमने ये टेंस क्यों यूज किया है और रेज और राइज में डिफरेंस क्या होता है पहला और अराइज का भी डिफरेंस बता देना इन तीनों के मुझे डिफरेंस बता दो ये वाला साइट और ये वाला साइट में डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में भी डिफरेंस बता दो इस का सब्जेक्ट बता दो इसको बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है और कौन सा टेंस है ये भी बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है और कौन सा टेंस है चलिए देखते हैं सबसे पहले तो रेस का मीनिंग होता है उठाना राइस का मीनिंग होता है उठना और राइस का मीनिंग होता है जागना जागते रहो तो रेस की सेकेंड फॉर्म होती है रेस्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है रेस्ड राइस की सेकेंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है रिजन अराइस की सेकेंड फॉर्म होती है अरोज और थर्ड फॉर्म होती है अरेजन तो रेज़ इज उठाना राइज इज उठना और अराइज इज जागना साइट ये एक वर्ब होती है इसका मतलब होता है आप किसी चीज को मेंशन कर रहे हो आपने किसी चीज को साइट किया किसी चीज को किया किसी चीज का जिक्र किया ये जो साइट होता है ये नाउन होता है इसका मतलब होता है कोई प्लेस कोई जगह ये जो साइड होता है ये भी नाउन होता है हालांकि इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं इसका मतलब होता है आपकी दृष्टि आपकी नजर वो क्या होती है आपकी साइड होती है इसका सब्जेक्ट है फोरकास्ट ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब इसका सब्जेक्ट हो गया फोरकास्ट वॉज ड्रिवन वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का कुड बी प्रूवन गुड प्लस पी गुड प्लस बी प्लस वो अपनी थर्डफॉर्मेंस का मतलब है पैसे वॉइस कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग जी चलो देखते हैं तो क्या हो सकता है क्या रिस्क है रिस्क है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं या फिर रिस्क है कि लंबे टाइम तक हाई इंटरेस्ट रेट रहा अगर वेस्ट में अगर वेस्ट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा महंगाई को डील करने के लिए तो भी क्या हो सकता है रिस्क है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ उतना ना हो इट एस्टिमेटेड उसने एस्टिमेट क्या किया कि जो इंडिया है वुड लाइकली बी दी इकोनॉमी इंडिया वो इकोनॉमी होगी इंडिया वो कंट्री होगी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मोस्ट अफेक्टेड सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एशिया में किसकी वजह से बाय द हाई इंटरेस्ट रेट अगर वेस्ट कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहता है तो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्यों क्योंकि ग्रेटर सेंजिविटी है ऑफ द रुपी क्योंकि रुपी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वेस्टर्न इंटरेस्ट रेट से क्या कई बात समझ में आ रही है कि ऑथन ने क्यों बोला कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है महंगाई ज्यादा है तो महंगाई को कंट्रोल करने का क्या तरीका है महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका होता है कि लोगों के पास पैसे का सप्लाई कम कर दो लोगों के पास जब पैसे का सप्लाई कम हो जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी पैसे का सप्लाई कम करने का तरीका क्या होता है कि लोन्स को महंगा दे दो लोन्स को महंगा दे दो तो लोगों के पास पैसे का सप्लाई कम हो जाएगा लोन्स को महंगा देने का तरीका क्या होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए महंगाई को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ा दिया है लेकिन इसका नुकसान किस पे पड़ेगा इंडिया पे पड़ेगा क्यों इंडिया पे नुकसान पड़ेगा क्यों क्योंकि रुपी की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी इट ऑल्सो नोटेड दैट उसने और क्या कहा उसने बोला कि दैट वाइल्ड कि हालांकि जो सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सेंटर जो खर्चा कर रहा है ये जो एक्सपेंडिंग है ये जो खर्चा है ये बहुत स्ट्रांग है मतलब सेंटर ने हमारी सरकार ने खूब खर्चा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स खूब सारा खर्चा किया है रोड्स बनाने में ब्रिजेस बनाने में चीजों को बनाने में एंड वर्स प्रोजेक्टर ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ेगा सेंटर अपना खूब खर्चा करेगा विद राइजिंग बजटरी एलोकेशन खूब सारा बजट को एलोकेट अलो, करेगा खूब सारा बजट लगाएगा खूब सारा पैसा लगाएगा और सेंटर खूब खर्चा करेगा लेकिन जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन कंप्लीटन प्राइवेट सेक्टर है लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए थे वो फेल हो गए हैं और वो मैच नहीं कर पा रहे राइजिंग प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स को तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट तो खूब खर्चा कर रही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं फेल हो रहा है मोस्ट कॉन्पिक्यूसली का मीनिंग क्या होता है क्लियरली ज्यादातर क्लियरली मिसिंग क्या है फ्रॉम द दीबीज रिपोर्ट क्या है कौन सी चीज है जो मिसिंग है वो मिसिंग है वॉज द एबसेंस ऑफ एनी कॉमेंट कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा ऑन द कॉन्ट्रोवर्सीज जो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो लड़ाइयाँ चल रही हैं सराउंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम डेटा कि जो इंडिया का जो इनकम का डेटा है उसकी जो इंटीग्रिटी है मतलब वो कितना सही है इंटीग्रिटी मीन कितनी ऑनेस्टी है और कंसर्न्स चिंताएं जो उठाई गई हैं किसके द्वारा उठाई गई हैं अब किस टॉपिक पर चिंताएं उठाई गई हैं टॉपिक ये है कि हेवी इन्फ्लुएंस कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट के टैक्स रिसिप्ट का गवर्नमेंट के पास जो टैक्स इतना ज्यादा आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनल जी डी पी पे इस सब के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की गई है मोस्ट कॉन्स्पिकुअसली एक ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे लिखने में एडी बीज रिपोर्ट वॉज द एब्सेंस ऑफ एनी कमेंट मिसिंग है एबसेंस मतलब यहां रखना ऑथर ने लिखने में कुछ गड़बड़गड़ी है मिसिंग है एबसेंस कोई चीज जो नहीं है वो है नहीं होना पता इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है इस लाइन का मतलब निकल रहा है कि नहीं है नहीं होना तो यहाँ पे ऑथर ने मिस्टेक किया है अगर ऑथर को बोलना था कि कमेंट नहीं है तो बस यहाँ पे लिखना चाहिए देयर इज एन एबसेंस ऑफ एनी कमेंट या देयर वाज द देंस डबल डबल सेम ही बात को लिख दिया ऑथर ने तो यहाँ पे ऑथर ने मिसिंग वर्ड भी यूज कर दिया उसके आगे और फिर लिख दिया एबसेंस आप इस लाइन को समझ लो ऑथर ने कैसी लाइन बनाई है तो ऑथर ने कैसी लाइन बनाई है ऑथर ने बोला मिसिंग इज योर एबसेंस इन party, आपका जो एबसेंस है वो मिसिंग है तो ये अजीब सी लाइन है एबसेंस मिसिंग है मतलब एबसेंस का तो मतलब ही होता है मिसिंग होना चलो आगे बढ़े बच्चे कह रहे हैं ऊपर वाले के लिए नहीं बेटा यहाँ फुल स्टॉप हो गया इसी लाइन के लिए है? ये इसी लाइन के लिए है। तो ऑथर ने यहाँ पे एक मिस्टेक की है चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग आगे क्या लिखा हुआ मतलब है द लेंडर मतलब ये जो बैंक है लेंडर कौन होता है जो उधार देता है दो तरह के लोग होते हैं लेंडर और बोरोवर क्या डिफरेंस होता है लेंडर उधार देता है बोरोवर उधार लेता है तो जो उधार देता है मतलब बैंक के लिए ऑथर ने यहाँ पे रेफर किया है जो बैंक है वो फेल हो गई टू मेक एनी मेंशन वो कोई बात ही नहीं कर पाई किस चीज के बारे में कि कमी है किस चीज की कमी है सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सिग्निफिकेंट मींस अच्छे खासे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मींस जो चेंजेस आए हैं इंडिया में पर्टिकुलरली स्पेशली कब से जब से कोविड नाइन्टीन पैंडमिक आया है तो बैंक इस चीज में भी फेल हो गई इस बारे में भी बात करने में वन ऑफ द रीजन्स काफी सारे कारणों में से एक कारण द स्ट्रांग ग्रोथ नंबर्स रिपोर्टेड बाई द गवर्नमेंट तो एक रीजन वन ऑफ द रीजन्स द स्ट्रोंग ग्रोथ नंबर रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट है ना मैं ग्रामर अच्छी नहीं लिखी मतलब ये चीज ना बहुत बार हो रही है आज की ग्रामर अच्छी नहीं है चलो इसको ठीक करते हैं इस लाइन को वन ऑफ द रीजन्स द स्ट्रोंग ग्रोथ नंबर रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हैव बीन क्वेश्चन रीजन इसको क्वेश्चन इज दैट दे हैव कम एट अ टाइम वेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव टेकन अ बैक सीट तो काफ़ी सारे रीजंस किस चीज़ के रीजंस इसको यहाँ पे ऑफ लगाते हैं इस सेंटेंस को ठीक करते हैं वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट तो बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न किस चीज़ का जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स हैं सरकार के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैज बीन अब वन ऑफ द रीजंस है आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है यहां पे सिंगुलर वर्ब भी आएगी हैज बीन एक रीजन क्या है इसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे पूरा सेंटेंस ही से दोबारा बनाना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं इसका लाइन का ओवरऑल मीनिंग समझ लेते हैं ओवरऑल मीनिंग यही है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर सरकार ने रिपोर्ट तो कर दिए लेकिन ऐसे टाइम पे किए हैं जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो ही नहीं रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने क्या किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने बैकसीट ले बैक ले। बैकसीट लेने का मतलब क्या है एक्टिव मोड में नहीं है मतलब रिफॉर्म्स हो ही नहीं रहे द ए डी अजम्पन तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने जो अज्यूम किया है कि लाइकली मीन चांसेस हैं रीबाउंड होने के तो ये जो बैंक ने अज्यूम किया है कि रीबाउंड आएगा बढ़ेगी क्या बढ़ेगी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी जिससे कि उसका जो दो हज़ार चौबीस पच्चीस का ग्रोथ प्रोजेक्शन है तो ये जो अजम्पशन है ये भी रिस्क पर है क्या कि अजम्पशन की भी वैल्यू खत्म ऑफ इज ऑल्सो एट रिस्क ऑफ बींग अंडर माइंड ये जो अजम्पशन है ये भी वीकर हो सकता है ये अजम्पशन भी कमज़ोर बढ़ सकता है कौन सा अजम्पशन अजम्पशन ये है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी ग्लोबल कंट्री रिस्क रिसर्च फर्म बीएमआई तो ये जो कंपनी कम, है इसने रिसेंटली क्या किया रिसेंटली फ्लैग किया अब यहाँ पे देखो रिसेंटली यहाँ पे भी ऑथर ने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है यहाँ पे हैज आएगा जब भी कोई काम रिसेंटली लिखा हो और वो कंप्लीट हो गया हो तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो इस फर्म ने क्या किया है अभी अभी फ्लैग किया है मतलब वार्निंग दी है किस चीज़ की कि रिस्क है किस चीज़ को रिस्क है रिस्क है कंजम्पशन स्पेंडिंग को कि कंजम्पशन स्पेंडिंग मतलब जो खर्चा कर रहे हैं घरों में जो खर्चा हो रहा है वो कम हो सकता है क्यों फ्रॉम स्ट्रेस्ड हाउस होल्ड सेविंग क्योंकि लोगों की जो तो सेविंग्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं मतलब सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है वो सेविंग्स को लो लोग खर्चे में नहीं डालेंगे विच आर नियर ऑल टाइम लोस जो लगभग लगभग क्या है सबसे कम है मतलब लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं है इस बात से भी खतरा है और हो सकता है तो जीडीपी इतना ना बढ़े तो ओवरऑल मेन आइडिया क्या है ओवरऑल मेन आइडिया यही है कि भाई रिस्क है जीडीपी बढ़ेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़े क्योंकि इस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं इस समय कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं है इस समय सेविंग्स नहीं है तो ऑथर को डाउट हो रहा है एडीबी के किस चीज पे एडीबी के प्रोडिक्शन पे चलो लास्ट पैराग्राफ इन एनी केस किसी भी केस में द सेंटर वुड डू वेल सेंटर अच्छा करेगा अगर वो सुनेगा एडी बी के सजेशन को तो जिस बैंक ने सजेशन दिया उसको सुनेगा तो सेंटर अच्छा करेगा बैंक ने सजेशन क्या दिया है बैंक ने सजेशन दिया है कि लार्ज स्केल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं वो जोन्स जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है जहाँ पे खूब सारा कंपनीज uh, इंडस्ट्रीज खोली जाती है वहां पे टैक्सेस कम होते हैं तो एडीबी ने क्या बोला कि आप बड़े बड़े लेवल पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाओ जहां पे ईजियर पॉलिसी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ ईजी हो जिससे कि एक्सपोर्ट्स क्या हो सके बूस्ट हो सके एनकरेज हो सके गिवन दी चैलेंजेस फ्लैग बाय द लेंडर तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने जो चैलेंजेस बताए हैं टू ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड कि ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में जो हम सामान एक्सपोर्ट करें उसमें जो चैलेंजेस हो सकते हैं इंक्लूडिंग और उसने क्या बताया है कि हद से ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन है वोलेटाइल मीज़ कभी भी भड़क सकती है चेंजिंग सिचुएशन है वेस्ट एशिया में और जो डिस्ट्रप्शन हैं जो रुकावटें आ गई हैं टू द नॉर्मल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट थ्रू द रेड सी तो जो सामान जाता है शिपिंग से सामान जो जाता है सी के रास्ते जाता है रेड सी के थ्रू जाता है वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है इसकी वजह से सामान भी नहीं जा पा रहा तो ये सारे चैलेंजेस हैं तो इंडिया को क्या करना चाहिए मस्ट हीट हीट का मीनिंग क्या ध्यान देना चाहिए इंडिया को किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिकमेंडेशंस को तो इस बैंक ने जो सजेशन दिया है इंडिया को उस पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए इसने क्या बोला है टू इंटीग्रेट बेटर कि इंडिया बहुत अच्छे से मिल जाए ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ और इंडिया इम्प्रूव करे इट्स लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया क्या करे अपने लॉजिस्टिक्स के लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि सामान को लेके आना जाना जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है तो उसको इंडिया इंप्रूव करे पोस्ट हेस्ड पोस्ट हेस्ट क्या होता है एक फ्रेज होता है इसका मतलब है एज सुन एज पॉसिबल ए सैप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी तो इंडिया इन सब चीज़ों को क्या करे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करे तो ओवरऑल आर्टिकल का टॉपिक बहुत अच्छा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बताया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या प्रोडिक्शन दिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या सजेशन दिया है इंडिया को तो ओवरऑल टॉपिक वॉज गुड बट ग्रामर उतनी अच्छी नहीं थी समझ आया सभी को फर्स्ट आर्टिकल टोन कैसी हो गई एनालिटिकल थी ऑथर ने एनालाइज किया क्रिटिकल इवेलुएट भी किया है ऑथर ने क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हाँ, तो क्रिटिकल यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब नेगेटिव नहीं है सभी को पता है क्रिटिकल के दो मतलब होते हैं एक क्रिटिकल का, एक क्रिटिकल का मतलब होता है बुराई करना और एक क्रिटिकल का मीनिंग होता है इवेलुएट करना चीजों को एनालाइज करना कि हो क्या तो यहाँ पे नेगेटिव वाला मीनिंग नहीं है इवेलुएट करने वाला मीनिंग है कि हम इवेलुएट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है समझ आया सभी को फर्स्ट आर्टिकल चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं अब हम क्या करेंगे स्किमिंग बट उससे पहले आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगी आई होप सभी को पता है कि यस yes ऑफिसर पे ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है और कुछ मंथ्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आज उसका लास्ट डे है तो जितने भी बच्चे हैं जो कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे यस yes ऑफिसर का एस डी ट्वेंटी फाइव फोर्ड लगाओगे आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए फ्री द मैसेंजर मैसेंजर कौन होता है दूत जो मैसेज लेके जाता है उसको क्या करो फ्री कर दो उसको मुक्त कर दो तो यूएस शुड ड्रॉप चार्जेस तो यूएस ने जो इंजाम लगाए हैं उन इंजाम को हटाना चाहिए किसके अगेंस्ट यूएस ने इंजाम लगाए हैं यूएस ने इंजाम लगाए हैं असांज के अगेंस्ट असांज क्या है असांज अभी हम देखेंगे कि आ, नाम है तो उनके ऊपर जितने भी इंजाम लगे हुए हैं तो ऑथर कहते हैं कि यूएस को वो सारे के सारे इंजाम हटा देने चाहिए एंड होल्ड अप होल्ड अपू एस को क्या करना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए किसको सपोर्ट करना चाहिए फ्री स्पीच को सपोर्ट करना चाहिए चलिए अब रीडिंग मत करना स्किमिंग करना स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी के पास थर्टी सेकेंड्स का टाइम है चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ इन्होंने है इन्होंने कमेंट्स किए व्हाइट हाउस पे इस हफ्ते मेड ऑफ द कप बिना किसी तैयारी के उन्होंने बोला कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रही है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि जो विकी लिक्स के फाउंडर हैं उनके ऊपर जो भी इंजाम लगाए उनको हटा दिया जाए तो इससे उम्मीद का एक पूरा पूरा वेव आया है उनकी फैमिली के लिए सपोर्टर्स के लिए मिस्टर असानज जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं इस जेल में हैं और एक ब्रिटिश कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि क्या वो अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर पे जिससे क्या होगा उनको यूएस भेज दिया जाएगा और यूएस पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस इंज़ाम लगाए गए हैं कि उन्होंने यू गवर्नमेंट के डेटा को पब्लिश किया था कोर्ट का ऑर्डर अभी मई बीस को आएगा और यूएस को बोला है उसने कि अश्योरेंस दे यूएस कि उनको डेथ पेनल्टी नहीं देगी लेकिन मिस्टर अल्बर्स ने जो रिक्वेस्ट की है उससे हो सकता है कि वो डिसीजन जो है अननेसेसरी हो जाए तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था मेन आइडिया यही था कि बेचारे मिस्टर असांज उन्होंने क्या किया विकी लीक्स के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन को लीक किया इससे यूएस ने उनके ऊपर क्या किया खूब सारे इंजाम लगा दिए अभी मिस्टर असांज जो है कहाँ के जेल में है यूके के जेल में है और यूएस उनको कह रहा है कि भेजो इनको मेरे पास यूएस उनको बुला रहा है कि उनको मेरे पास भेजो उनके पास उनको मेरे पास भेजो तो कोर्ट का भी ऑर्डर आने को है लेकिन कोर्ट ने भी रिक्वेस्ट किया है यूएस से कि हम तुम्हारे पास भेज तो देंगे इनको लेकिन तुम इनको डेथ पेनल्टी नहीं दोगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट किया है बाइडन जी से कि बाइडन जी प्लीज आप इनके ऊपर जितने भी आपने इंजाम लगाए हैं उनको हटा दो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे रिपल इफेक्ट होता है जैसे आपने ये पानी है यहां पे पत्थर फेंका तो क्या होगा पत्थर तो आपने यहाँ पे फेंका लेकिन जो वेव्स हैं वो दूर दूर तक आएंगी यहां पे भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा तो इसको क्या बोलते हैं रिपल इफेक्ट कि मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन कहीं और था इम्पैक्ट कहीं और देखने को मिला आपके पड़ोसी का सिलेक्शन हुआ आपको आपके बुआ के बेटे को आपके बुआ के बेटे बुआ के, बेटे के दूर के मामा के बेटे को भी ताने सुनने को मिले रिपल इफेक्ट चलो आगे मिस्टर अरसानजे फिफ्टी टू ईयर्स के हैं ऑलरेडी बहुत पनिशमेंट उनको मिल चुका है उनको जब रिफ्यूज चाहिए था उनको अरेस्ट भी किया गया बहुत बीमार हैं बहुत परेशान हैं मिस्टर अरसानज के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाए गए वो चार्जेस जो इन्होंने साफ साफ मना किए फिर केस हटा दिया गया यूएस में उनके ऊपर अठारह चार्जेस लगाए गए हैं जिससे उनको वन सेवेंटी फ़ाइव अगर टोटल भी कर दें तो वन सेवेंटी जेल में बिताने पड़ेंगे सत्रह चार्जेस तो वही है कि उन्होंने बहुत सारे यूएस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया था जहाँ पे उन्होंने बताया कि यूएस ने कि आर्मी ने कितने गलत गलत मेथड्स यूज किए और यू की गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी भी रिवील करी तो ऑथर ने क्या किया ऑथर ने यहाँ पे दर्द बताया मिस्टर असानज का कि कितना दर्द है उनको उनके ऊपर कितने इल्ज़ाम हैं और सत्रह इन्ज़ाम तो वही है कि भाई अठारह में से सत्रह इन्ज़ाम तो वही है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लीक किया और बहुत बीमार हैं वो और मतलब बहुत परेशान है वो ऐसा ऑथर रहे है चलो नेक्स्ट पैराग्राफ आगे मिस्टर असांज का जो तो डिसीजन था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया बिना चेक किए और फिर उन्होंने नाम भी बता दिए यूएस ऑफिशियल्स के एम्प्लॉयज के सोल्जर्स के लोगों के जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगी रिस्क पे आ गई गवर्नमेंट के सीक्रेट्स होते हैं और कॉन्फिडेंशालिटी होती है वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए ये भी बात सही है कि विकी लीक्स ने बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर भी किया जिससे कि जांच भी हो सके जब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे गए ये इंश्योर करने के लिए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को बाहर लेके आया जाए लेकिन कुछ एलिमेंट था डेटा डंपिंग का कि मतलब बहुत सारा डेटा वहाँ रिलीज कर दिया गया जिसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी लेकिन ये यूएस के लिए बहुत मुश्किल है समझाना कि उसने भाई इतना ज़्यादा पब्लिक इतने सारे पनिशमेंट्स क्यों दे दिए मिस्टर असानज को पब्लिशर की तरफ ट्रोमिस एक तरीके से खदान बहुत सारे तो वही लिखा हुआ है मिस्टर असाज ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लीक किया सब लोगों के नाम बताए गवर्नमेंट के सीक्रेट्स होते हैं और सीक्रेट सीक्रेट्स ही रहने चाहिए बट मिस्टर असाज ने सारे सीक्रेट्स लीक कर दिए हालांकि उन्होंने स्क्रूटनी भी करवाई थी उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं लीक हो लेकिन बहुत सारा डेटा था तो बहुत सब कुछ चीज़ें लीक हो गई अब लेकिन ये बात नहीं समझ आती कि यूएस में उनको इतने इतने ज़्यादा डिफिकल्ट पनिशमेंट्स क्यों दिए इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं वो उनको ये बात अभी तक मुश्किल है समझना ऐसा और हमने बोला लास्ट पैराग्राफ अब आगे और समझ में आएगा कि मुश्किल क्या है मुश्किल है कि यूएस ने उनके ऊपर ही क्यों पनिशमेंट दी जिसको यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एंड चेल्सिया मैनिंग जो थी जिन्होंने उनको डेटा दिया था जिन्होंने उनको इंफॉर्मेशन दी थी उनके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं लगाया लास्ट पैराग्राफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डेमोक्रेसी को बचाया है सबसे इम्पॉटेंट चीज़ है वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइडेन जी के लिए और वो कहते हैं कि हम और एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए डेमोक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है और दूसरी तरफ जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए एक्टिविस्ट जिन्होंने यू के गलत कामों को पब्लिक के सामने रखा उनको वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उनको वो सजा दे रहे हैं और गवर्नमेंट्स को भी वो कास्टिगेट करें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं विसल ब्लोअर्स को जो लोग इंफॉर्मेशन लीक करते हैं फ्री स्पीच एक्टिविस्ट होते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के एनजीओ होते हैं उनको वो इरिटेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं मतलब ऑथर के कह रहे हैं कि जो बाइडन जी के दो चेहरे हैं पहला चेहरा है कि हमारे लिए डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्री स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी कंट्री है जो अपने यहाँ के एक्टिविस्ट के अगेंस्ट होती है जो भी कंट्री अपने यहाँ के फ्री स्पीच जो लोग बोलते हैं जो लोग कुछ भी चीजों को बताते हैं लोगों को उनके खिलाफ होते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं दूसरी तरफ वो खुद भी यही काम कर रहे हैं वो खुद भी मिस्टर असांज को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वो मिस्टर असांज जिन्होंने यूएस की सच्चाई सबको बताई यूएस जो एग्जाम्पल से दिखा सकता है कि मिस्टर असांज के केस में यूएस एग्जाम्पल प्रूफ कर सकता है कि वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है वो फ्रीडम में विश्वास करता है यूएस फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास करता है यूएस एक एग्जाम्पल दे सकता है मिस्टर असांझ के केस में उनको फ्री करके लेकिन यूएस क्या कर रहा है यूएस उन्हीं तो के ऊपर केस केस पे केस जा यूएस को मैसेंजर को शूट नहीं करना चाहिए मतलब जो मैसेंजर मैसेज दिया मैसेजर बताई सच्चाई ट्रांसपेरेंसी लेके आया उसको शूट क्यों करना चाहता है यूएस यूएस को क्यों पनिशमेंट देना चाहता है तो यूएस अगर चाहता है कि जो जिस तरीके से उसकी गवर्नमेंट वर्क करती है अगर उस पर यूएस स्पॉटलाइट डालना चाहता है उसको लोगों की नजरों में लेके आना चाहता है अपने बातों पर आ, अपने आप को सच सा, सच्चा साबित करना चाहता है तो यूएस को क्या करना चाहिए यूएस को एक एग्जाम्पल की तरह अपने आप को रखना चाहिए डेमोक्रेसिटिक फ्रीडम्स में विश्वास दिखाना चाहिए अपना ना कि उस मैसेंजर को ही मार देना चाहिए समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और लेटर सभी लोग रीड कर लेंगे मैच द कॉलम्स का आंसर बताएंगे सभी लोग रिडनडेंट एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग देखते हैं कितने वर्ड्स आपको याद हुए जो लंबे टाइम से चल रहा हो फाउंडिंग जो आपको परेशान करे री फिर से वापस आ जाना अंडरमाइंड किसी को कमजोर बना देना सी डी ए ई एन करना बुराई करना स्कोल्ड करना आठ वर्ड्स है इनमें से तीन वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में देंगे सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम तीन वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में दे ही दें जो जो बच्चे देंगे उनको सभी बच्चों को एक बच्चे उनमें से एक बच्चे को एक बुक हम गिफ्ट करेंगे उस बुक का नाम है सक्सेस नो मोर एन रेवल्यूशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो तो, तो sure कीजिए कि सभी लोग तीन वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में दे ही दें ठीक है एक इंपॉर्टेंट चीज आज लास्ट डे है ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट का इसके बाद आपको ये डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेगा सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स जितने भी बैचेज आएंगे अगले एक साल तक या दो साल तक आप जो भी ऑफर लोगे उस सब पे आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी आप लगाओगे डिस्काउंट पे हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं फॉर्म yes, है आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं ठीक है इंग्लिश में आपको सारी क्लासेस मिलेगी कंप्लीट ग्रामर मिलेगी कंप्लीट परफेक्शन मिलेगा सारे एरर के डिटेक्शन के क्वेश्चंस सारी वो क्या जितने भी बैचेस मेरे आते हैं एक साल या दो साल तक सारे के सारे बैचेस मिलेंगे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन बार बार लेने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है तो आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आपको कंप्लीट लेना है तो आप यस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है प्रीमियम में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं एक्सक्लूसिव में आपको सिर्फ इंग्लिश मिलती ये टेलीग्राम चैनल्स हैं इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आपको सारे पीडीएफ सारी मैगजीन्स मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप क्लासेस में आते हो तो क्योंकि पीडीएफ तो होनी ही होनी चाहिए सभी के पास सेशन एंड करते